Oh, hey, Ram. Oh. नहीं, ठीक हूँ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आई प्रेगनेंसी में तो ओहो, अरे बैठना भी कितना मुश्किल हो रहा है इस तकिए के साथ। पहले तो इसको निकाल के बाहर करूँ। उफ, अरे तो स्वागत है आप सबका होगा जरूर चैनल में। जी हाँ, होगा जरूर चैनल ही है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कई बार हमें लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो कुछ लॉजिक था इसके पीछे। और अगर मैं ये कह दूं कि आई एम प्रेग्नेंट, और तो वो जो है ना बधाई हो पिक्चर वाला सीन मुझे याद आ जाएगा कि बच्चे तो शॉक हो जाएंगे कि क्या हो गया मम्मा को। कैप ऐसी बात मैं आपको एंड में बताऊंगी। और यूं था कि मुझे यूं लगा कि कुछ बातों पे जैसे हंसी भी और कुछ बातों पे कुछ एक अलग सा फीलिंग मुझे हुआ, और वही मैं शेयर करना चाह रही थी कि आजकल प्रेग्नेंट होने में कुछ अलग ही मजा है। मतलब हम लोग जो 17-18 साल पहले का हमारा एक्सपीरियंस है, और उससे आज कुछ डिफरेंसेस से मुझे लगे। जैसे कि कल मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि आलिया भट्ट की सास को, मतलब नीतू कपूर को, सोशल मीडिया से, मीडिया वालों से पता लग रहा है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। मतलब इट्स स्ट्रेंज। तो बड़ी अच्छा कैसे है, वो शॉक हो रही है। और फिर वो बोल रहे हैं कि अरे उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो ठीक है उनका अपना लाइफस्टाइल है। आजकल मींस उनके लाइफस्टाइल से मैं नहीं कंपेयर कर रही हूँ, जो हमारे आसपास जो मैं देख रही हूँ कुछ सालों से, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब मैंने क्या देखा है कि अब की प्रेगनेंसी में क्या फर्क है कि जैसे लाड़ चाव कुछ ज्यादा है। एक तो मैंने जो नोटिस किया, आई कैन बी रॉन्ग, ये मेरी अपनी सोच है और बिल्कुल भी कोई 100% राइट तो हो ही नहीं सकता। एक तो आजकल जिसको देखो बेड रेस्ट, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम भी होती हो, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, पैर नहीं उससे उतारना बेड से, ये वो फलां ढिमकाना, मतलब प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन बिन बात के रेस्ट कर रहे हैं। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। अगर प्रॉब्लम हो तब तो रेस्ट करो भी, नहीं तो चलते फिरते रहो। अब वही है ना कि आज वही बात मेरी सास की तरह मुझे याद आ रही है। अरे हसी तां केड़ा रेस्ट कर दे सी, असी तां मज्जा भी चो लेंदे सी। डिलीवरी तो एक दिन पहला, खैर जो मेरे टाइम में ऐसा नहीं था कि गाँव मज्जा करे, जानवर नहीं सी, दूध वगैरह नहीं चोंदे सी, मीन्स मिल्किंग नहीं करते थे, बट इतना तो था कि काम हम करते रहते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई काम छोड़ा था। और डिलीवरी जैसे कि मायके में हुई, तो ये बात मैं मानती हूँ कि जब मैं मायके चली जाती थी तो टाइम एकदम एंड पे पहुंच जाता था, 9th मंथ के करीब हो जाता था। और फिर होता था कि नहीं इसकी केयर करो, खिलाओ पिलाओ, सो एंड सो कुछ। भाई माँ बाप का तो रिश्ता ही भगवान ने अलग बनाया है, तो वहाँ तो मायके घर तो होता था कि थोड़ा लाड और वो ठीक है। लेकिन ससुराल घर का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और इट्स बैड, इट्स जस्ट व्हाट द डिफरेंस आई एम नोटिसिंग नाउ एंड देन। कि अब की जो जनरेशन है, एक तो उसमें जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी के बाद जिसको देखो, जिसका सुनने में आता है, उसको तो बेड रेस्ट बताया है, प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होनी है, बेड रेस्ट बताया है। सेकेंडली, एक ये जो वॉमिट आ रही है, वॉमिट आ रही है, तो पर्सन टू पर्सन केस डिफरेंट हो सकता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन ना तो कोई इतने गोलगप्पे चाट खाई जाती है, ना ही कोई इतना गोलगप्पे चाट को मन करता है। मतलब मेरा ऐसा ये मानना है, घर के काम काज में टाइम का पता ही नहीं चलता। किसी किसी टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई दर्द या तकलीफ तो ऑब्वियस है, वो है ही, डिलीवरी पेन्स डिफरेंट हैं या डिलीवरी के दौरान जो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसे करके यूं करके पकड़ के चल रहे हैं, या फिर
पकड़ पकड़ के सीढ़ियां उतरवाई जा रही हैं। मतलब हमारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई पकड़ के सीढ़ियां वीढ़ियां कुछ नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन घर के सब काम हमने करे हैं और कोई काम नहीं छोड़ा है। एक जो मुझे याद आता है कि पहले जो है ना पानी वगैरह की बकेट या घड़ा भर के नीचे रखा करते थे, तो उसको अगर मैं उठाने लगती थी तो मेरी सास मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि नहीं नहीं तुम मत उठाओ, तो वो आके हेल्प कराने लग जाती थी। उसके अलावा मुझे बहुत कम याद है, बहुत कम, कि किसी काम के लिए उन्होंने ऐसा बोला हो कि ये काम इस टाइम में करना नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी थ्योरी ये थी कि जितना ज़्यादा काम करो उतने सौखे रहोगे। और एक और चीज़ जो मुझे याद आती है उस टाइम की ससुराल वालों की तरफ से, अब वो गलत सही अपनी अपनी सोच है, ऐसा भी कहा जाता था कि अगर प्रेग्नेंट हो गई है बहू या कोई घर में मतलब प्रेग्नेंट हो गई है लेडी, तो बल्कि काम वाली हटा दो, उससे बोलो कि वो पोचे लगाए ताकि उसका शरीर एक्टिव रहे और बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए और डिलीवरी के टाइम उसको तकलीफ ना हो। मतलब सो एंड सो, सब अपनी सोच और विचारों पे डिपेंड करता है। किसी की कोई बात एकदम याद करा देती है अपने याद, मतलब वही चीज़ें नोटिस कर रही थी कि आजकल नारियल खाना चाहिए, इतना इतना चीज़ें लाई जाती हैं, अच्छी बात है जूस पीना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। मतलब वो याद आ जाता है कि उस टाइम कैसा था। एक तो उस टाइम ऐसी कोई नहीं था कि स्पेशली कुछ खाना चाहिए, ऐसा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो तो भगवान की दया से नॉर्मल रहा, डिलीवरीज नॉर्मल हुई, बच्चे स्वस्थ। और आज तो बच्चे बराबर के हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, हालांकि मैंने आज अपने बेटे का कुर्ता ही पहना हुआ है, तो अब तो बच्चे इतने बड़े हैं, तो वो तो आई थिंक वीडियो जब मैं डालूंगी देखेंगे तो शॉक होने वाले हैं, क्योंकि वो तो मुझे यही कहने वाले हैं कि मम्मी बधाई हो मूवी हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे ऐसे एक लगा कि जैसे कोई बहू प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सामान आ रहा था, इसको ये खाना चाहिए, इससे हम ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। और अगर हम सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो उस पर इसी टाइप से देखने को मिल जाता है, तुम आराम करो बहू, इन दिनों में अगर मैं काम कर लूँगी तो क्या बात है, इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड मैसेज, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस। पहली बात तो ये कि उस टाइम इतने हार्ड एंड फास्ट आराम की जरूरत नहीं होती है, 9 महीने की जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें इतना भी कोई लिटना नहीं होता कि हमें सारा दिन लेटना है। वाकई में ऐसी कोई कंडीशन है देन दैट इज अनदर थिंग, बट मैंने जितने भी जो बिल्कुल लेटेस्ट लेटेस्ट वाले डिलीवरी के किस्सों को छोड़कर उससे पहले के 7-8 साल के पहले के जितने भी मैंने देखे हैं, तो ये सब नखरे नहीं थे। दिखाया जाता ना कि रोज गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है, गोलगप्पे खा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत तबीयत तो चलती है, खराब हो जाती है, साथ में एक खुशी भी होती है माँ बनने की, और वो सब ओवरकम कर देती है कि जब डिलीवरी के बाद बच्चा आपके हाथों में आता है ना, तो वो डिलीवरी पेंस तो मानती हूँ मैं, आप मेरे साथ इस बात पे मत एंटी हो जाइएगा कि तुम तो ऐसे कह रही हो कि तकलीफ ही नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, डिलीवरी पेंस तो मैं भी मानती हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन बात मैं कर रही हूँ कि जो प्रेगनेंसी के दौरान के 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ही वो मिलती है इंटेंशन। एक तो सीरियल्स वगैरह ने, फिल्मों ने काम ऐसा कर रखा है कि वो वही सब हम लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। आप अपनी हेल्थ देखिए, एक चीज़ मैंने और देखी है कि अब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं सोचता है कि लड़का होगा लड़की होगी, सोच बदल गई है काफ़ी परसेंटेज तक, 100% नहीं, काफ़ी परसेंटेज तक बदल गई है। तो ऐसी भी कई बातें मुझे ध्यान आती हैं, अपने टाइम के एक्सपीरियंस से ही मैं बताऊंगी क्या था कि जैसे कहते हैं ना कि कैसे पता लगेगा लड़का होगा लड़की होगी। तो हुआ यूं कि जब मेरी मैरिज हुई तो मैं अपने खानदान में, मायके वालों खानदान में सबसे बड़ी नहीं हूँ, मेरे से पहले भी कई लड़कियों की शादी हुई है, तो कितनी भी 7-8 लड़कियों की जो शादी, मतलब चाचे ताए की लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, उनकी जिन शादियाँ हुई मेरे से पहले,
तो उनके दिमाग में एक था कि यही रिश्ता लेना है। और आप जानते हैं इसके पीछे और कई कारणों के कारण के साथ साथ एक जो कारण था वो पता है क्या था, कि उनका कहना था कि इस खानदान की जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है ना, उन सबके लड़का ही होता है, तो ये भी इस खानदान की लड़की है, मतलब मैं तो इसके भी जो संतान होगी वो लड़का ही होगी पहली, तो ये सबसे बढ़िया बात है कि हम तो निहाल हो जाएंगे, पोता हो जाएगा, मतलब मेरे पास भगवान की दया से बेटा बेटी सब है, बट मेरी फर्स्ट जो है औलाद, जो फर्स्ट मेरा चाइल्ड है वो बेटी है, और मैं बहुत मतलब खुश हूँ, मुझे बेटी से बेटी की जगह और बेटे से बेटे की जगह प्यार है, दोनों ज़रूरी हैं, और श्योरली अगर मेरे पहली जो संतान है वो बेटा होती तो मैं बेटी के लिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करती। और ये जो लॉजिक है ये मुझे थोड़ा फनी सा भी लग रहा है कि जब हमें नॉलेज होता रहती है इन सब चीज़ों की, खैर मेरी मैरिज 21 इयर्स में हो गई थी, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, आज ये सोच के बाद बहुत हंसी आती है कि क्या इस तरीके से भी लिंक हो सकता है कि अगर मेरे चाचे ताए वगैरह मामों की लड़कियों के जो बच्चे हुए हैं वो अगर लड़का हुआ है तो मेरे भी ऑटोमेटिकली लड़का ही होगा, जहाँ की इस बात का कोई लिंक नहीं है। टाइम का बहुत फ़र्क है, तो उस टाइम की सोच का बहुत फ़र्क था, है कि ऐसे भी अटकलें लगाए जा सकते हैं, और ऐसा है कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर ये भी अपनी अपनी सोच पर डिपेंड किया जाता है कि हमारे टाइम में कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, या यूं कहें मेरी लाइकिंग के मुताबिक थी। जैसे मैं इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड ऐसे नहीं हूँ कि लाइक इस तरह की कुछ जो सोच है कि प्रेग्नेंट हो गए तो लाइक ढिंडोरा पीटने लग जाओ, बताने लग जाओ, आई डोंट लाइक दैट, वो मेरी पर्सनल लाइकिंग है। लेकिन आजकल तो फोटोशूट हो रहा है, टमी मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा छोटा होता होगा तो पिल्लो लगा के उसको मोटा करके और ड्रेस पूरी पहन के, अब वो इतने टमी के साथ अगर हम ड्रेस बनवा रहे हैं ऑब्वियसली वो बाद में तो काम आएगी नहीं भाई, हमें तो कोई एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा कपड़े नहीं बनवा के दिए गए थे, पता था कि ये 9 महीने की बात है, टमी निकला हुआ है, बेबी है अंदर, बेबी या बाबा कुछ भी उनके लिए तो बाबा ही था, मतलब उनके लिए तो यही होता था कि प्रेग्नेंट है बहू तो बेटा ही है, खैर तो मतलब रहती है बड़े बुजुर्गों की ऐसी सोच रहती है, वो जैसी उनकी जैसी होती है अभी घर का माहौल सोच होती है हम लोगों की, मोस्टली ऐसी होती है सोच, तो वो मतलब कि कपड़े ये ख़राब ही हो जाएंगे तो थोड़े से जो खुले कपड़े हैं बिना फिटिंग वाले वो डाल के चल जाता था, ठीक है हमारा टाइम ठीक था, मतलब बहुत सारी बातों में तो हमारा टाइम ठीक था, तो उस टाइम ऐसे बताया नहीं जाता था हर एक को, ठीक है घर में पता लग ही जाता था खुशखबरी है ऐसे ठीक है, बट इस तरीके से नहीं होता था। और आज मेरा पर्सनल व्यू है, रॉन्ग और राइट की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा ही वो मतलब कि जाके फोटोशूट ही करा लेना बेबी बम्प करके और इस तरीके का, ठीक है अगर अच्छा लगता है सबको तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग है, और हमें थोड़ी थोड़ी शर्म आती थी बताने में और कहने में कि भाई ऐसे है, और बाकी ठीक है सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए और जैसा सबको अच्छा लगता है और जिसको जैसा अच्छा लगता है उसको वैसा ही करना चाहिए, टाइम के साथ ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम में भी बहुत चेंजेस आए हैं हमारे क्लोदिंग सेंस में और उन सब बातों में भी चेंजेस आए हैं, तो टाइम के साथ बदलना तो अच्छा है ही। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं आज यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे तो मैंने शेयर किए, अरे इतना आ चीज़ खांदी है इतना आ चीज़ खान जी करता है इतना मुंडा ही हो, सास कह रही थी कि मेरी बहू का तो ये खाने का मन करता है गुलाब जामुन, मिठा खाने का मन करे तो लड़का ही होता है, मतलब वो ऐसी होती हैं चीज़ें, तो वही मेरे को थोड़ा फनी और पैम्परिंग भी लगा कि चीज़ें बहुत लाई जा रही थी, सारा दिन काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो थोड़ा डिफरेंट लगा, बुरा नहीं लगा मुझे लेकिन थोड़े चेंजेस लगे टाइम के हिसाब से। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा या ये सोचने के लिए कि आज मुझे खाने पीने को मिल जाएगा पैम्पर किया जाएगा, मैं ये पंगा नहीं लेने वाली हूँ, मैं तो वैसे ही आपके साथ अपने मन की बातें शेयर कर रही थी और थोड़ा वॉक करके देख रही थी प्रेगनेंसी वाली वॉक। तो चलिए फिर ये फनी सी और आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप अपना एक्सपीरियंस अपना जो है फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में,
बस यूं ही आज आपसे बात करने का मन किया तो कैमरा ऑन करके मैं स्टार्ट हो गई। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।